वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा जो पेरिमीटर एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक जो है वो मिल जाएगा, और हमने इसके प्रूफ जो होते हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो उनको भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक लॉजिकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपको नाइन्थ क्लास में अलग से चैप्टर है, नाइन्थ और टेंथ क्लास में वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में, ऐसी खास बात क्या है। अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, इसमें से 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो ये हटा दिया गया। अगर आप एक सिंपल सी चीज में समझें, कोई भी चीज अगर आप लो, जैसे ये व्हाइट पेपर है, ये रेक्टेंगल शेप का है, इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से यूं फाड़ देता हूं तो जो भी इस चीज का एरिया होगा उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, टेक अवे, आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम दिस, तो ये बचा हुआ एरिया बच जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रेक्टेंगल में से मैं सर्कल फाड़ सकता हूं, एक रेक्टेंगल में से एक छोटा रेक्टेंगल काट सकता हूं, छोटा ही काट सकता हूं ना, बड़ा तो नहीं काट सकता एक रेक्टेंगल में से। इसी तरीके से एक स्क्वायर में से एक रेक्टेंगल काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी फिगर आपको दे सकते हैं, उसके अंदर से कोई भी फिगर आपको कह सकते हैं रिमूव्ड। द वर्ड रिमूव्ड मीन्स टेक अवे। तो आपको एक ही लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि रिमूव्ड जब भी बोल दे और बोले कि उसका रिमेनिंग एरिया निकालो, तो रिमेनिंग एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है बड़ा शेप माइनस छोटा शेप, कुछ भी हो सकता है। यहां पे दोनों सर्कल है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मैं जानबूझ के आर डिफरेंट ले रहा हूं ताकि मुझे भी पता चले, मेरे दिमाग को भी पता चले कि भैया दोनों रेडियस जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमें पहले ही पता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बड़ा ले रहा हूं क्योंकि दोनों डिफरेंट है, सेम मत ले लेना, एक को बड़ा ले लो एक को छोटा ले लो, या डिफरेंट तरीके से लिख दो, एक को आर ऐसे लिख दो एक को आर ऐसे लिख दो। तो कहने का मतलब है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इसको क्या ले रहे हो, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं, कुछ कहते हैं इसको अलग अलग सॉल्व कर लो तो भी ठीक है, अलग अलग ही आपको भी मैं दिखा देता हूं क्योंकि अभी आप 7th क्लास में हैं। अगर हायर क्लास में होते तो मैं इसको दूसरे तरीके से इसको करके दिखाता, जिसमें मैं कॉमन लेता और सॉल्व करता, कोई बात नहीं। अब हम पाई की वैल्यू डालेंगे। अब यहां पर उन्होंने दे रखा है, मैं क्वेश्चन में लिखना है भूल गया हूं, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 लिखी हुई है, तो हम पाई की वैल्यू यहां पे डाल देंगे 3.14, जो बोला है हमें वही लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3.14, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पर आ जाएगा 16, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16। तो प्लीज करें आप खुद कैलकुलेशन, 6 में 24, 6 और 1 8, 18, 3.14, 4.210, ये आ गया 5.024। सो 5.024 और यहाँ पे 2 के बन डेसिमल, तो 50.24 मेरा यहाँ का आंसर आया, यहाँ पर आएगा 9। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कई तरीके हैं, तो इसको मैं कर सकता हूँ 3.140 माइनस 3.14,
बोर्ड मास रूल मैंने यूज करा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। आप चाहे कोई और तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो यहां पर आ जाएगा 6, 3, 2, और यहां पर आ जाएगा 11, 7 और 1, 8, यहां पर आएगा 2, सो 2, 8, 2, 6 और 2 के बाद डेसिमल, ये आंसर आ गया। अब जल्दी से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर डेसिमल 2, 8.26 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6, 7, 8 और यहाँ पर आएगा 1, 11, 8 और 1, 9, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 9, 1, 4, 2, तो 21.98 मेरा आंसर आ रहा है, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मैंने आपको साइज है कैलकुलेशन भी करके दिखाई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं कैसे कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर लें, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस आपको आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।